हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का प्लॉट 40 बाय 30 फीट का प्लॉट है और ये प्लॉट हमारा ईस्ट फेसिंग वास्तु के अकॉर्डिंग हमने इस हाउस को डिजाइन किया है। जी हाँ, ये हमारा हाउस प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है और आपको इस हाउस के अंदर चार बेडरूम देखने को मिल जाएंगे, फैमिली लाउंज एरिया, आपको शानदार किचन और अच्छा एक पूजा रूम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एक अच्छी कार पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। और जो स्टेयर है वो हमने इसके अंदर दी है हाउस के। अगर आप चाहें तो इन स्टेयर को आप बाहर की तरफ भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी और वो आप पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, जो आज का हाउस है ये 40 बाय 30 फीट का है और स्क्वायर फीट में बात करें तो ये 1200 स्क्वायर फीट और 133 गज और 4.4 मरला का हमारा ये प्लॉट रहेगा। और दोस्तों, अगर हाउस की कॉस्टिंग की बात की जाए तो कॉस्टिंग यहाँ से आपको 28 से 30 लाख रुपए आ सकती है, वो भी की। इंटीरियर आपके ऊपर रहेगा, आप इस पर जितना खर्चा करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी की डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी और इस प्लान के डाउनलोड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या तो आइए दोस्तों, इसके बाद हाउस के पार्किंग एरिया की बात करते हैं। आपको यहाँ पर पार्किंग स्पेस 11 फुट 4.5 इंच बाय 16 फुट और 6 इंच का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर पार्किंग स्पेस अच्छा देखने को मिल जाएगा। और इसी के बाद अगर आप हाउस के फ्रंट में देखें तो आपको यहाँ पर एक 4 फुट वाइड स्पेस देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आपको एक अलग से पेडेस्ट्रियन गेट देखने को भी मिल जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं हाउस के ड्राइंग रूम एरिया की, जो आपको हाउस में सेपरेट देखने को मिल जाएगा और इसका साइज रहेगा 11 बाय 12 फीट का, जो कि आपका एक अलग से बना हुआ है और ये स्पेस आपके लिए अच्छा है अगर हम इस हाउस के प्लॉट साइज को देखें तो। और आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। तो आइए चलिए इसके बाद हाउस के लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया की बात करते हैं। इसका साइज आपका 14 बाय 15 फीट का रहेगा। आपको यहाँ पर अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, एक साइड में सिटिंग और आपका एक साइड में डाइनिंग एरिया आपको देखने को मिल जाएगा और बाकी इंटीरियर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो हमारा लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है, इसकी एंट्रेंस आपको अलग से देखने को मिल जाएगी और ये एंट्रेंस आपकी प्राइवेट रहेगी। तो इसके बाद आप हाउस का ये किचन देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ओपन किचन देखने को मिल जाता है और इसका साइज 12 बाय 11 फिट का रहेगा। आपको यहाँ पर साइज काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और जो यहाँ पर किचन है ये आपको अच्छी और एक मॉडर्न स्टाइल में आपको यहाँ पर किचन देखने को मिल जाती है और अच्छी वेंटिलेशन के साथ। और दोस्तों, ये है हाउस का फर्स्ट बेडरूम। इसका साइज 12 बाय 11 फुट और 9 इंच का रहेगा, जो कि एक अच्छा साइज है। आपको एक साइड में अच्छी वार्डरोब, अच्छी सीलिंग और सामने एक टीवी पैनल और आपको इसके साथ अटैच एक टॉयलेट भी देखने को मिल जाएगा, जो हम इसमें आपको आगे दिखाएंगे। और दोस्तों, जो ये बेडरूम है इसकी वेंटिलेशन आपकी OTS के थ्रू होगी और जो हाउस के अंदर के दोनों टॉयलेट हैं इनकी वेंटिलेशन भी इसी OTS से होगी। OTS आप देख सकते हैं, OTS का साइज आपको नीचे मेंशन हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसके बाद आपको हाउस के फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट मिल जाता है। आप टॉयलेट देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छी टाइल्स देखने को मिल जाएंगी और जो ये टॉयलेट है इसका साइज 8 फुट 6 इंच बाय 5 फुट का रहेगा। और इसके बाद आप सामने देख सकते हैं, आपको यहाँ पर हैंड वॉश के लिए एक वैनिटी देखने को मिल जाती है और अगर हम इससे आगे बढ़ें तो आपको यहाँ पर हाउस का एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा और इस टॉयलेट का साइज रहेगा 5 बाय 7.5 फिट का। और दोस्तों, इसके बाद आप स्टेयर के नीचे का एरिया देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कैबिनेट्स दिए हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका पार्टीशन करके आप यहाँ पर अपना एक वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर एरिया की तरफ चलते हैं।
तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फैमिली लाउंज एरिया देखने को मिल जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर एरिया पर एंटर करते ही। और इसका साइज सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह है, ऊपर आपका 14x15 फिट का रहेगा, जो कि एक अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जो हाउस की बालकनी है वो आपको यहाँ पर कॉमन देखने को मिल जाती है, जो कि आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट रहेगा। और जो बालकनी है ये काफी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद हाउस के बेडरूम की तरफ चलते हैं। इसका साइज 12x11 फिट का है, आपको बैक वॉल पर वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, अच्छी आपको यहाँ पर वार्डरोब देखने को मिल जाएगी और अच्छी वेंटिलेशन तो है ही। ये है हाउस का सेकंड बेडरूम और इस बेडरूम का साइज है 12x11 फुट और 9 इंच का, आप इसको 12x12 ही मानिए। जो इसकी वेंटिलेशन है वो OTS के थ्रू होगी और इसके साथ भी आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है, आप इनको मास्टर बेडरूम आप इनको बोल सकते हैं। और आपको जो ये बेडरूम है इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट देखने को मिल जाता है। इसका साइज 8x6x5 फिट का रहेगा और इसकी वेंटिलेशन भी OTS के थ्रू होगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर पर भी एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल जाएगा और इसका साइज यहां पर थोड़ा और बड़ा हो चुका है और इसका साइज 5x9.5 फुट का रहेगा, जो कि आपको अच्छा साइज यहां पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हाउस के यहाँ पर पूजा रूम की बात करते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना एक बेडरूम भी बना सकते हैं, इस एरिया को आप यहाँ पर बढ़ा करके। हमने यहाँ पर एक पूजा रूम दिया है, हमें कोई इतनी नीड नहीं लगी थी। इसका साइज 5x5 फिट है और आप इसके साथ देख सकते हैं आपको हाउस का फोर्थ बेडरूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जो हमारे हाउस का फोर्थ बेडरूम है इसका साइज 11x12 फिट का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमने यहाँ पर वार्डरोब नहीं दी है, अगर आप चाहते हैं तो आप यहां पर वार्डरोब भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड रहेगा, जैसा हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने यहां पर वार्डरोब नहीं लगाया तो यहां पर वार्डरोब आएगा नहीं। तो इसके बाद आपको फोर्थ बेडरूम से भी यहां पर अटैच बालकनी देखने को मिल जाती है। ऊपर देख सकते हैं, ऊपर हमने ओपनिंग दी है, आपको यहां पर एक जाल देखने को मिल जाता है, जो कि आपके हाउस की ब्यूटी को और ज्यादा इनहेंस कर देगा। तो दोस्तों आप इसकी बालकनी का ओवरऑल व्यू देख लीजिए और उसके बाद सेकंड फ्लोर पर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं ये है हाउस का सेकंड फ्लोर यानी हमारा टेरेस एरिया। हमने इस टेरेस को मैक्सिमम ओपन रखा है ताकि आपको इसका स्पेस का पता लग जाए। और आप देख सकते हैं आपको एक साइड में अच्छा एक डिजाइन के साथ यहाँ पर एक परगोला देखने को मिल जाता है, इसके नीचे सिटिंग और आर्टिफिशियल ग्रास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और जो इस हाउस का बाकी का एरिया है हमने वहाँ पर अच्छी एक प्लांटिंग की है, जो कि आपकी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो OTS का एरिया है जहाँ पर हमने जाल दिया है वो भी आप देख सकते हैं। आप चाहें तो आप जो OTS का एरिया रहेगा उसके ऊपर आप फाइबर लगा सकते हैं, कोई शीट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके घर के अंदर अगर आपको कुछ बारिश के पानी वगैरह का इशू लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इसका ओवरऑल व्यू और देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक बार और देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर बहुत आ रहे हैं। और नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, वहां पर अगर आपकी कोई राय है, कोई इच्छा है, या आपका कोई एक प्लॉट साइज है, या आपके माइंड में कोई अलग आइडिया आ रहा है, तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, नमस्कार।